जो आपने लॉन्च करी है वो काफी लोगों के लिए अपनी सर करेगी, खासकर यूथ के लिए, क्योंकि यूथ चाहता है काफी कुछ बदलाव आपने किए भी हैं प्रदेश में। देखिए 2030 विजन जो हम लेके चल रहे हैं उनकी लॉन्चिंग बहुत जल्दी होगी, और मैंने अभी कहा मीटिंग के अंदर कि जो विजन 2030 तक कम से कम राजस्थान भी देश के अगले राज्यों में सम्मिलित हो, ये हम सबका सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों का। वो तभी पूरा होगा जब हर प्रदेशवासी किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र के हो, सब मिलकर इस दिशा में सोचें। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें सुझाव भेजें, अभियान चलेगा कॉलेज में स्कूलों के अंदर, ऐसे कंपटीशन है बच्चों के लिए, डिबेट कंपटीशन है वो करवाएंगे। अभी जैसे युवा नीति घोषित हुई है तो हम देखा होगा सबको पूछ के उन्होंने युवा नीति बनाई है, उन सब वर्गों को साथ लेंगे। और प्री बजट में हम लोग जो बुलाते हैं इंडस्ट्री वालों को, ट्रेड वालों को, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, मजदूर संगठनों को बुलाते हैं, जिन जिन को बुलाते हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे सब मिलकर के ऐसी विजन डॉक्यूमेंट बन जाए हमेशा के लिए, जिससे उस वक्त तक जो है 30 जब आएगा तब कम से कम हम राजस्थान वाले गर्व से कह सकते हैं हम भी देश के अगले राज्यों में सम्मिलित हैं। बस ये मेरा सोच है, उन सब आएगी पर कैपिटा इनकम भी आ जाएगी, IMR MMR जो तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे कम और हो, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें वो तो ही है, सोशल सिक्योरिटी कैसे हम और अधिक मजबूत कर सकें, जो हम नवाचार कर रहे हैं राजस्थान में और मजबूती आए उसके अंदर, मतलब आज भी राजस्थान कई क्षेत्रों में हम लोग पहल हम करते हैं देश के अंदर और बाकी राज्य फॉलो कर रहे हैं, ये तो आपके सामने हैं। तो क्यों नहीं हम जो है विजन ही बना रहे हैं हमेशा के लिए, तो हमारी नई पीढ़ी को एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि राजस्थान का नौजवान कुछ भी कर सकता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, ये मेरी भावना है। सर, पत्र लिखने की बात कर रहे थे, सीपी जोशी जी ने कहा क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इसमें जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे इसको भी पढ़ सकें, समझ सकें इस नीति में। तो बचपन से हम लोग ऐसे आए हुए हैं, जो 1980 में आए थे जिसमें सीपी जोशी जी भी थे, आज देश के अंदर कांग्रेस नेता जितने भी हैं देश के अंदर 40 साल में जो बने हैं, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हों, चाहे वो CM बने हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने हों, या ICC महामंत्री बने हों, या कोई पद पे गए हों, तमाम लोग जो है 80 के दशक में जो आए थे जीत करके यूथ कांग्रेस से अनेक शोर से, वही छाए हुए अभी तक हैं, वही छाए हुए अभी तक हैं। और हम चाहते हैं कि उसके बाद में जो 90 का दशक भी आया है लगातार 40 साल किसे कहते हैं लंबा अरसा होता है, तो 40 साल के अरसे में भी नई पीढ़ी आनी चाहिए, जो उस रूप में जो हमारी पीढ़ी थी जिसने संकट देखा, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, डटे रहे हम लोग, कमिटमेंट हमारा था कांग्रेस नीतियों से, कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से, आजादी की जंग लड़ी गई थी वो जज्बा सुनते थे समझते थे, और वो भावना रख के दिल के अंदर राजनीति करना सीखे हम लोग, उसके कारण स्थायी रूप से हम लोग जमे रहे, स्थायी रूप से। हम तो ये सपना देखते नई पीढ़ी के लोग आए वो भी पूरी ईमानदारी से निष्ठा से प्रतिबद्ध हो गए पार्टी के प्रति, अगर अपना आप समर्पित कर देते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल है, उनके साथ में देश का भविष्य उज्जवल है। अगर वो उनका कमिटमेंट नहीं होगा खाली कोई पद लेने तक सीमित रह जाएंगे कि मैं कोई बन जाऊँ पद लेकर बैठ जाऊँ, पद ले सकता है, कई लोग पद मिल जाते हैं, पर ना वो पार्टी का ना देश का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते वो। तो मैं अपील करना चाहूँ तमाम नौजवानों को, आप खाली सिर्फ और सिर्फ जो संविधान की मूल भावना है प्रेम बल के अंदर और कर्तव्य दिए हुए पब्लिक को, वो तक साथ रख करके आप जो नीति हैं, जो कार्यक्रम हैं, सिद्धांत कांग्रेस के हैं वो अपना लो आप, तो खाली बस और कुछ नहीं करना है। स्वतः ही देश में जो हालात बन गए हैं मोदी जी के राज में, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही लोग ये हमारे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, दुरुपयोग हो रहा है ED इनकम टैक्स CBI का, जुडिशरी में दबाव है, ये तमाम बातें लोग समझ जाएंगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे। हम अपने आप को दृढ़ रखें, युवा पीढ़ी हो चाहे नौजवान हो, हर कांग्रेस जन मेरा मानना अगर रखेगा तो देश का भविष्य भी
उजला है मेरा मानना। प्रधानमंत्री नरेंद्र जो है ये मुस्लिम मोदी मित्र बना रहे हैं, हर स्टेट को डायरेक्शन दिए गए चुनावी साल में, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम मोदी मित्र बनाओ, कि कैसे डाइवर्ट हो ये पूरे स्कीम्स है और मोर्चा है उसके लोगों को। देखिए आप, ये मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, देश समझ रहा है, देश समझ रहा है, हमें उस पर कुछ नहीं करना है। वो चाहे अगर मुस्लिम प्रेम जागृत हो गया है तो इसमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि उनके सब धर्मों के लोगों के प्रति, सब जातियों के प्रति उनका प्रेम जागृत हो। हम दुआएं करते हैं प्रधानमंत्री जी से, RSS वालों से, अमित शाह जी से, आपका प्रेम जागृत हो। मुस्लिम हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, सिख हो, हर जातियों के साथ में, दलितों के साथ में। पर मेरा अनुभव कहता है कि 70 साल तक कभी ये लोग बोले नहीं, ना महात्मा गांधी का नाम लिया, ना लिया नाम सरदार पटेल का नाम लिया, ना अम्बेडकर का नाम लिया। खाली अब चुनाव जीतने के लिए गुजरात गए, इसलिए गुजरात में बहुत बड़ा बनाया, स्टेचू बनाया है पटेल साहब का, अच्छी बात है। पर उनको पूछो भाई, आपने 70 साल तक नाम क्यों नहीं लिया सरदार पटेल का? क्योंकि सरदार पटेल ने यहाँ पे बैन लगाया था, RSS पे प्रतिबंध लगाया था, वो आपके टीथ आपके दिल के अंदर थी, इसलिए आपने नाम नहीं लिया सरदार पटेल का, नाम नहीं लिया गांधी जी का, नाम नहीं लिया क्योंकि गॉड से कौन था सब जानते हैं। पंडित नेहरू को आपने जानबूझ के, जो उनका त्याग बलिदान था, 10-10 साल तक जेल बंद रहे वो उस जमाने के अंदर, उनका बुलाना चाहते हो। अगर आप इतिहास को बुलाओगे, महापुरुषों को, आप फिर महापुरुष कैसे बन पाओगे देश के अंदर? ये चिंता उनको खुद को होनी चाहिए, उनके संगठन को होनी चाहिए कि हमारे नेताओं का नाम आने वाली पीढ़ियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद में कैसे नाम लेगी इनका, बताइए। ये इनका अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। सरकारें तो डेमोक्रेसी किसने दिए? कांग्रेस ने दी डेमोक्रेसी देश को, इसलिए डेमोक्रेसी रक्षा हमने करी है, जान देकर के इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो ये हमें पार्ट दिखाते सिखाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, वंशवाद चल रहा है, आपको क्या पंचायती है, हमारी पार्टी में क्या चल रहा है। हम पूछते हैं कि आपके RSS वाले क्या करते हैं, BJP वाले क्या करते हैं, उनके परिवार में क्या चलता है, हम पूछते हैं क्या उनको? वो कौन होते पूछने वाले कि हमारी पार्टी में वंशवाद है क्या है? अरे वोट तो गुप्त होते हैं, तब भी क्यों इस परिवार को लोग चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे, क्यों क्यों बताइए, इसको पूछो इनको, जवाब इनके पास में। आप पंचायती कर दो बिना मरे कांग्रेस की, मुक्त कर दो कांग्रेस को देश से, क्या मुक्त कर दोगे? कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है, हर घर में कांग्रेस है देश के अंदर। इनकी पार्टी हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी जी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में, वो तो कम हुआ ही हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आप कहीं BJP वालों से इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था, अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, इस बात को समझा, OBC के संबंधित प्रधानमंत्री हो, OBC का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है, धीरे धीरे रिवोट हो सकता है आपके खिलाफ में, तो आप समझ सकते हो। अब सुनते रहे RSS के, इनके बीच में बनती कि नहीं बनती, हमें क्या मतलब उनसे, बनो नहीं बनो, हम तो ये कहते हैं देश एक रहे, अखंड रहे, उसके लिए मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों, किसी पार्टी के हैं, किसी विचारधारा के लोग हैं, सबको देश प्रेम के लिए, भारत माता के लिए एकजुट रहना चाहिए, मेरा मानना। बस छात्र नेता इंतजार कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव का, वो शिक्षा राज्य मंत्री जो है हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, वो इसको दिखवा रहे हैं, बातचीत करके वो फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके पास फाइल है, आप ही अंतिम फैसला लेने वाले हैं। नहीं अच्छी बात नहीं है, वो तो मैं बात कर रहा हूँ, पत्र लिखने की और FIR दर्ज करने की अपने बारे में। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, लिंडो कमेटी बनी थी, लिंडो कमेटी में रिकमेंड बहुत शानदार थी, चुनाव होने बंद हो गए थे, मैं ही वो मुख्यमंत्री हूँ जिसने राजस्थान में चुनाव वापस प्रारंभ करवाए थे। हमसे बड़ा कमिटमेंट किसका होगा चुनाव के अंदर? पर आज जो पैसे खर्च कर रहे बच्चे अभी से ही, जब MLA MP के चुनाव लड़ रहे हों, तो
कहाँ से पैसा आता है, क्यों खर्च कर रहे हैं, और जो लिंडो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कोड ऑफ कंडक्ट की, उस धज्जा उड़ा रहे हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। चुनाव भी आ रहे हैं असेंबली के, और भारतीय वो क्या ABBP दो तीन लड़के रेप किए वहाँ पर जोधपुर के अंदर, उसकी चर्चा क्यों नहीं करें? वो चुनाव के कैंपेन में आ रहे थे जोधपुर के अंदर, छात्र संघ के चुनाव के कैंपेन में आए हुए थे, हमारे किराए का कमरे लेके रह रहे थे, उन्हें रेप कर दिया। इनका वो करेक्टर है, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो घटनाएं हो रही है हिंदुस्तान भर में हो रही है, पर हम वो राज्य सरकारें हैं, हमारी पुलिस वो है, हर घटना को 2 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में पकड़ लेते हैं हम लोग हर जगह पर, और वो पकड़ पाते हैं क्या? इतना बड़ा फर्क है, तब भी वो दबा बोले हुए राजस्थान पर, क्योंकि मणिपुर को डायलूट करने लोगों को कहाँ, मणिपुर जल रहा है, प्रदेश पूरा प्रदेश जल रहा है, चिंता नहीं प्रधानमंत्री जी को, 2 मिनट का भाषण मणिपुर पे, प्रधानमंत्री जी को भ्रम हो गया कि देश समझ नहीं पा रहा है, देश बहुत होशियार है, देश के देशवासी बहुत ही रॉबर्ट कॉमन सेंस रखते हैं, हर चीज़ को नोट करते हैं वो लोग, और कभी माफ़ नहीं करेंगे इन लोगों को। जिस प्रकार आपने मणिपुर को लेकर जो आपने मैसेज दिया कंट्री को, 2 मिनट का भाषण दिया मैंने सुना है, ये अच्छी बात नहीं है, उनको खुल के आधा घंटा बोलना चाहिए था, हमने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे खड़ी हुई, पहले भी दंगे हुए थे बताते वो, मान लो कांग्रेस आदमी दंगे हुए थे वही बताते वो, पूरा कम से कम गंभीरता दिखती उनकी, देश पूरा देश जो है चिंतित है, जिस प्रदेश के लिए जहाँ आग लगी हुई है, क्या पूरे देशवासी अपेक्षा नहीं करते प्रधानमंत्री जी से कि आप कम से कम बताओ देश को भाई वहाँ क्या हो रहा हालात? आज भी हम लोगों को नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 100 से अधिक तो रेप हो चुके हैं यहाँ पर, हजारों FIR दर्ज हो रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप उसके बाद में कुछ नहीं कर रहे हो, आप राष्ट्रपति शासन लागू कर देते तो वो तो आपके गवर्नर ही तो है, आपके एडवाइजर होते, आपके शासन आपका ही होता, तो क्यों नहीं आप ये कदम उठा रहे हो वहाँ पर? वो तो आप जानो ज़्यादा, कम से कम उठाए नहीं उठाएंगे मर्जी है, देश को बताओ हम कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है, हालात क्या है, क्या देश जाने के लिए हक नहीं रखता है? मणिपुर के अंदर 3 महीने से अधिक समय हो गया है, वहाँ जल रहा है, रेप हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, थाने में लूट मची हुई है, सब हथियार लूट लिए गए हैं, क्या वो मतलब उसका हालात क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर, वो बताना नहीं चाहिए देशवासियों को? इतने मैं सोचता हूँ कि देशवासी अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से, खाली मजाक उड़ा उड़ा करके आपने 2 घंटे भाषण दे दिया, बड़े खुश हो रहे हो, ताली बजवा रहे हो, नारे लगवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी जी का ठीक का ये तमाशा नहीं होना चाहिए ना, पार्लियामेंट तमाशा किस बात का हो रहा है? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हरकतें हो रही है देश में उचित नहीं है। धन्यवाद।